5G जाकर रह गया, 5G की टेस्टिंग कैसे होती है, क्या 5G की टेस्टिंग की वजह से पक्षियों की जान जा रही है, क्या 5G की वजह से आने वाले समय में इंसान की जान के लिए खतरा हो जाएगा, और फ्यूचर में इंसान मशीन का गुलाम कैसे हो जाएगा, ये आप इस वीडियो में देखोगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज 5G? 5G आखिर है क्या? तो 5G का मतलब होता है 5th generation, यानी मोबाइल की 5वीं पीढ़ी। इससे पहले जो मोबाइल की 4 पीढ़ियाँ थी, उन्होंने दुनिया में काफ़ी बदलाव किया है। कैसे? वो ऐसे कि जब 1G आया था तो वायरलेस कॉल करना संभव हो गया, 2G आया तो वायरलेस कॉल करने के साथ साथ मैसेज भेजना संभव हो गया, 3G आया तो कॉल प्लस मैसेज प्लस इंटरनेट आपको मिला, 4G आया तो कॉल प्लस मैसेज प्लस इंटरनेट प्लस स्पीड आपको मिली। लेकिन जब 5G आएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। वहीं अगर बात करें 5G की टेस्टिंग की, तो 5G की टेस्टिंग के दौरान ये देखा जाता है कि आपके ईमेल, आपकी इमेज, आपके मैसेज कितनी स्पीड से सेंड हो पा रहे हैं, आप जो वीडियो या मूवी या एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो वो कितनी स्पीड से डाउनलोड हो पा रहा है। और बात करें 4G की स्पीड की, तो 4G की लगभग जो स्पीड होती है वो होती है 45 Mbps, और 5G की लगभग स्पीड रहेगी 1000 Mbps। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे आप कोई 4G से मूवी डाउनलोड कर रहे हो Full HD की 3 घंटे की, और वो हो रही है 1.5 घंटे में डाउनलोड, तो वहीं जो 5G है वो उसी मूवी को, जो Full HD की मूवी है, वो 3.5 सेकंड में डाउनलोड करके आपको दे देगा, और उससे भी कम समय में। जी हाँ, इतनी स्पीड इसकी रहेगी। 5G को पूरे भारत देश में फैलाने के लिए छोटे छोटे एंटीना हर जगह लगाए जाएंगे, क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं होगी कि एक एंटीना या फिर एक टावर इसका सारा का सारा काम कर दे, यानी हर जगह पर 5G कनेक्शन पहुंचा दे। तो जिस वजह से छोटे छोटे एंटीना थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाएंगे। इस एंटीना से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो मिलीवेव्स में काम करती हैं, और इसके अलावा 5G के आने के बाद एक प्रॉब्लम और थी वो दूर हो जाएगी, वो थी रेडियो वेव्स की स्पीड की। जहाँ पर ज़्यादा बंदे स्मार्टफोन यूज करते थे तो रेडियो वेव्स की स्पीड कम हो जाती थी, अब जो स्पीड है वह है 6 GHz, लेकिन 5G के आने के बाद वही स्पीड हो जाएगी 30 से 300 GHz। जी हाँ, 4G क्या करता है, 4G 500 स्क्वायर मीटर के दायरे में 10 लाख डिवाइस जोड़ता है, वहीं जब 5G आएगा तो 1 स्क्वायर मीटर के दायरे में 10 लाख डिवाइस जोड़ेगा। और बात करें इसके फायदे की, तो इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी बात, मशीन से बात करेगी। कैसे? सपोज करो आप लखनऊ से गुजरात गए, और गुजरात जाने के बाद आपको पता चला कि मेरा फ्रिज ऑफ है कि ऑन है, यार मैं तो भूल गया। अगर ऑन है तो ऑफ करना है, और ऑफ है तो ऑन करना है, तो वो काम करेगा आपका 5G मोबाइल, 5G इंटरनेट। अब जैसे ही आप अपने मोबाइल को कमांड दोगे, वो कमांड सीधी जाएगी फ्रिज के पास, और आपका फ्रिज ऑफ, और ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। आपको शायद अभी यकीन ना हो, लेकिन आगे जाकर हो जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है सिर्फ स्क्रीन पर देखकर ही। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी, रोबोट आपके काम करेंगे, पानी पिलाएंगे, जो कहोगे आप वो करेंगे, और भी ऐसे फायदे होंगे। और अब अगर बात करें इसके नुकसान की, तो क्या इससे पक्षियों की जान चली जाएगी या पक्षियों की जान जा रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो मिलीवेव्स में काम करती हैं, और मिलीवेव्स इतनी खतरनाक नहीं होती हैं कि वो पक्षियों की जान ले लें या फिर इंसान की जान ले लें। और ये कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ना ही इसका कोई एविडेंस है कि इसकी वजह से पक्षियों की जान जा रही है। बस जहाँ पर ज़्यादा स्मार्टफोन होंगे, ज़्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाले होंगे, वहाँ पर बस इंसान की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा कहना है फिनलैंड के साइंटिस्ट का। अगर इससे पक्षियों की मौत नहीं हो रही है तो कैसे हो रही है? तो इसके पीछे कारण रहता है पेस्टिसाइड, वाटर और ऐसे अन्य कारण। जैसे पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड होता है एक रासायनिक पदार्थ। जब बंदा उस रासायनिक पदार्थ को खेत में डालता है तो उस खेत के अंदर की जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो कि चिड़िया का खाना होते हैं। जब पक्षियों को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिएंगे? खाना ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा पानी भी ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। और 5G का ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है कि 5G की वजह से उनकी मौत हो रही हो। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी होगी तो हैकरों को हैकिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। 5G के आने के बाद ये खतरा जरूर बढ़ जाएगा। इंसान मशीन का गुलाम कैसे हो जाएगा? तो इंसान मशीन का गुलाम तो आधा हो चुका है। कैसे? क्योंकि उसे 1 किलोमीटर दूरी भी जाना है तो वो बाइक से जाएगा, साइकिल से नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता। AC, कूलर, पंखा ये तो चाहिए ही चाहिए, मोबाइल ये तो खासकर चाहिए। तो आधा गुलाम मशीन का इंसान पहले ही हो चुका है, और आने वाले समय में जब 5G आएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, रोबोट वगैरह आ जाएंगे, तो पूरी तरह से इंसान मशीन का गुलाम हो जाएगा। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, किसी एक बंदे को शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, कभी हार ना माने। राम राम।